जौनपुर में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे देखने के बाद डीएम भी हैरान हो गए। डीएम की जन चौपाल में पहुंचे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जब कहा कि साहब मुझे जिंदा कर दीजिए, मैं मर चुका हूं, तो डीएम भी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। डीएम ने कहा कि तुम तो जिंदा हो और सही सलामत मेरे सामने खड़े हो, जिस पे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि मैं भले ही आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, लेकिन सरकारी कागजों में मैं मृत घोषित हो चुका हूं। और इस पूरे मामले की जानकारी मुझे तब हुई जब मैं किसी की जमानत कराने के लिए अपने कागजों को लेकर के कोर्ट पहुंचा, जहां मुझे पता चला कि मेरी सारी जमीन किसी और के नाम कर दी गई है और मुझे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद डीएम ने तुरंत संबंधित एसडीएम और थाना प्रभारी को पूरे मामले की जांच सौंपी। आपको बता दें, पूरा मामला केराकत तहसील के जलालपुर थाना अंतर्गत लालपुर गांव का है, जहां के रहने वाले दशरथ सोनकर के साथ ये पूरी घटना जालसाजों ने अंजाम दी है। पूरे मामले की जांच एसडीएम केराकत नेहा मिश्रा को सौंपी गई है। एसडीएम केराकत नेहा मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया कि गांव के ही टुनटुन नामक व्यक्ति द्वारा इस तरह की जालसाजी की गई है। टुनटुन ने एक घोषणा पत्र दिया कि उनके बेटे का नाम दशरथ था और दशरथ की मौत हो चुकी है और दशरथ ने शादी नहीं की थी, जिसके बाद दशरथ की सारी जमीन उनके नाम कर दी जाए। इस तरह के घोषणा पत्र देने के बाद संबंधित अधिकारियों ने वह जमीन उनके नाम कर दी। साहब, हमारा मृतक दिखा के हमारा जमीन जो है उरासत करा लिए, और हमें पता चला कब कि हम जमानत कराने एक गांव के आदमी गए तो वहां पता चला कि आपको मृतक घोषित करके ये जमीन अपने नाम उरासत करा लिया। कौन है जो उरासत करा लिया? तुम तक दिखा टुनटुन, बाप का नाम भंटू। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ग्राम लालपुर में जन चौपाल का आयोजन हुआ था, जिसमें दशरथ पुत्र राम खिलावन ने एक शिकायत की कि उन्हें मृत घोषित करके और फर्जी तरीके से नायब तहसीलदार के कोर्ट से नामांतरण का आदेश करा लिया गया, जिसमें हमने कल से लेकर आज तक जो हमने जांच की उसमें ये पाया गया कि 2020 में ये आदेश पारित हुआ था और दशरथ पुत्र राम खिलावन, जिनकी ज़मीन लालपुर और महिमापुर दोनों में है, उन्हीं के गाँव के यानी कि लालपुर के निवासी टुनटुन जिनके पुत्र का नाम भी दशरथ था, उन्होंने फर्जी तरीके से अपने पुत्र का नाम दिखा के, जिनके पुत्र का नाम दशरथ और जो जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनका नाम भी दशरथ था, इस कोइंसिडेंस को यूज़ करके उसने फ्रॉड किया है कि उसने एक हलफनामा दे दिया कि मेरे पुत्र का नाम ही दशरथ था और इस गांव में दशरथ नाम का और कोई निवासी और कोई व्यक्ति नहीं है, और क्योंकि मेरा बेटा अविवाहित था और अविवाहित ही उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो इसलिए उसकी जो भी प्रॉपर्टी भूमि है वो मेरी है, उसमें मेरा ही कब्जा है, और इसी के बेसिस पे नायब तहसीलदार बयालसी के कोर्ट से इसका आदेश पारित हुआ 2020 में। कल से लेकर आज तक में हमने जब इनके कागजात निकलवाए तो ये मालूम हुआ कि अभी इसके तजवीजानी भी पड़ी हुई है, तो हमने अभी के लिए हमने इस फाइनल आदेश तक हमने पुराने आदेश को स्थगित कर दिया है और इसकी गहन जांच पड़ताल भी चल रही है, और इसमें जिसका भी रोल सामने आएगा, चाहे वो राजस्व कर्मी हो चाहे वो कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, और जैसे कि सुनने में आ रहा है टुनटुन जो हैं उनके ऊपर भी विधिक कार्रवाई भी होगी।